41 मजदूरों को फंसे हुए एक हफ्ते से ज्यादा का समय हो चुका है और इस बात का इंतजार किया जा रहा है, चाहे उनके परिजन हो या फिर रेस्क्यू टीमें। इसके अलावा अन्य लोग भी इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि कब ये लोग बाहर निकल पाएंगे। लगातार हर प्लान पे काम किया जा रहा है, इसमें चाहे सिलक्यारा टनल के अंदर जो ऑगर मशीन है उसकी ड्रिलिंग पर अगर काम किया जा रहा है, उस पर भी लगातार एक विश्वास किया जा रहा है कि यहाँ से वो आगे की तरफ बढ़ेंगे और लोगों को यहाँ से पाइप से निकालेंगे। नितिन गडकरी जो कि उत्तराखंड में उन्होंने इस टनल का आके दौरा किया, इसके अलावा मुख्यमंत्री भी थे और उन्होंने अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जल्द ही इस टनल के माध्यम से जो टनल ह्यूम पाइप बनाया जा रहा है, जो इस ऑगर मशीन से बनाया जा रहा है टनल छोटी सी, उससे लोगों को बाहर निकाला जा सकेगा। इसके अलावा ठीक टनल के ऊपर 100 से लेके 120 मीटर के बीच में वर्टिकल ड्रिल किया जाएगा और वहां पर भी बीआरओ ने सड़क बना ली है। वहां पर जहां पे मशीन रखनी है, हॉलैंड से जो मशीन आनी है ड्रिल, जो वर्टिकल ड्रिल करेगी, उसके लिए रैंप बना दिया गया है। वहां पर भी ड्रिल शुरू हो जाएगा जब वो मशीन आएगी। इसके अलावा टनल के राइट और लेफ्ट में दोनों में हॉरिजॉन्टल ड्रिल किया जाएगा और जो पांचवा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है वो बरकोट से जहां से इस टनल ने मिलना था उस टनल से वहां पर इसे जोड़ा जाएगा। 480 मीटर का वहां पे पैच रह गया था इस टनल को उस टनल से मिलने के लिए, लेकिन फिलहाल वहां से भी ड्रिल किया जाएगा। इसमें ओएनजीसी है, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन है, सतलुज जल विद्युत परियोजना निगम लिमिटेड है, इसके अलावा बीआरओ है और तमाम एनएचपीसी जो नेशनल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है उसके भी एक्सपर्ट्स यहां पर पहुंचे हैं और सभी से सलाह ली जा रही है कि कैसे इसको काम किया जा सके और कैसे पुख्ता काम हो ताकि 41 जिंदगियों को बचाया जा सके। काम शुरू हो चुका है, लोग लगातार बीच में कहा जा रहा था कि काम बंद है, लेकिन ऑगर मशीन ने अपना ड्रिल काम शुरू कर दिया है। इसके अलावा 57 मीटर का पाइप डाला गया, यानी 19 इंच के तीन पाइप डाले गए हैं जिसमें 5 इंच का उसका चौड़ाई है, उससे खाना पहुंचाया जाएगा। इसके अलावा नितिन गडकरी ने यह भी जानकारी दी कि वहां से एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यानी कैमरा भी भेजा जाएगा, उनकी सेहत कैसी है, वो किस तरीके से अंदर है, वो सारी मूवमेंट दिखी जाएगी। सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी सेहत अच्छी है, उनको लगातार दवाइयां दी जा रही है। अगर किसी को कोई दिक्कत आती है तो दवाइयां दी जा रही है। इसके अलावा हर 30 से 45 मिनट में उनको फूड दिया जा रहा है, यानी खाना दिया जा रहा है। खाना बेहद जरूरी है क्योंकि अंदर वहां पर उनके पास सिर्फ ये पाइप ही एक माध्यम है, जीवनदायी लाइफ लाइन कहेंगे इसे, माध्यम है जिससे वो अंदर बातचीत कर पा रहे हैं बाहर के लोगों से और बाहर के लोग अंदर से बातचीत कर पा रहे हैं। उनको खाना दिया जा रहा है, अलग अलग चीजें हैं। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण है कि अलग अलग जो प्लान है उस पर काम किया जा रहा है। जो टनल का शेप है, जिस तरीके से टनल का शेप है आर्क करके, वहां पर एक बड़े बड़े लोहे के रैंप लाए गए हैं जो लेंटर का काम करते हैं। इस टनल के ऊपर जो सीमेंट लगता है उसको टनल का काम करते हैं, उसको भी यहाँ पे लाया गया है। वो आगे जहाँ पे ऊपर की जो डेबरी है, वो जो डेबरी नीचे गिरी है, जो कच्चा है ऊपर उसकी जो टनल का ऊपर फेस सरफेस, उसमें ये धीरे धीरे फिट होंगे, वहां उसको मजबूत किया जाएगा और धीरे धीरे आगे बढ़ा जाएगा। एक दूसरा ये सबसे बड़ी बात है कि इसके अलावा स्क्वायर के सीमेंट के बड़े से ब्लॉक्स लाए गए हैं, वो भी जब पाइप अंदर जा रहा है उसके ऊपर रखा जाएगा ताकि ऊपर से जो मलबा आए वो ना गिरे इन पे और पाइप डैमेज ना हो, वो उस पे गिरे ताकि वो बचा रहे। तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण है कि ऑगर एक मशीन जो इंदौर से आई थी वो बैकअप के लिए रखी गई है। जो अंदर अमेरिकन मशीन है उसके स्पेयर पार्ट जो सबसे महत्वपूर्ण है, अगर बैरिंग टूट गया उसके स्पेयर पार्ट, अगर उसके आगे कुछ और दिक्कत आ गई उसके स्पेयर पार्ट, तो स्पेयर पार्ट को भी रखा गया है। लगातार हर चीज पर काम किया जा रहा है और हर एक का मकसद एक ही है कि जैसे भी हो किसी भी तरह तेजी से उन तक पहुंचा जा सके, क्योंकि समय बहुत तेजी से बढ़ रहा है और लगातार जो जंग है वो रेस्क्यू टीम की समय से है, क्योंकि समय जैसे तेजी से बढ़ेगा उससे कहीं ना कहीं जो अंदर के लोग हैं उनका भी मॉरल डाउन होने की शंका रहती है, संभावनाएं रहती है। जो जानकार है डॉक्टर वो यही कहते हैं कि तेजी से इनको बाहर निकालना जरूरी है, क्योंकि लिमिटेशन होती है, एक इंसान की कितनी लिमिटेशन होगी वो बड़ी महत्वपूर्ण होती है। अभी तक जिस बहादुरी से वो लोग अंदर है, जिस बहादुरी से उन लोगों ने अभी तक समय गुजारा है, तो उम्मीद है कि वो उसी बहादुरी से आगे समय गुजारेंगे, क्योंकि अगर जीने की इच्छा है उनमें तो वो आगे को आएंगे। जो लगातार प्लान्स पे काम किया जा रहा है, मशीनें मंगाई जा रही है, एक्सपर्ट्स मंगाए जा रहे हैं और लगातार इस बात का पुख्ता किया जा रहा है कि ये लोग
किसी भी हालत में बाहर निकलना चाहिए, सेफ होने चाहिए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि कब निकलेंगे, इसका कहना बेहद ही मुश्किल है। लगातार कोशिशें की जा रही है और सबसे महत्वपूर्ण जो उम्मीद की किरण है वो अमेरिकन ऑगर मशीन है, जो लगातार ड्रिल कर रही है। 24 मीटर तक पाइप जा चुका है, लगभग जो छठा पाइप है यानी पांचवा पाइप है जिसे 30 मीटर हम कहेंगे, वो भी लगभग अंदर दे जा रहा है। लगातार कब काम शुरू हो गया है, पिछले 2 दिन तक मशीन इस टनल में एक्टिविटीज नहीं दिखी थी, लेकिन फिर से नए जोश से ये आगे बढ़े है। तो लगातार उनके सेहत का ध्यान, उनके खाने पीने का ध्यान, उनके ऑक्सीजन का ध्यान रखा जा रहा है, उनसे बात की जा रही है, डॉक्टर्स की टीम बात करी जा रही है, और लगातार इसी बात पे भरोसा किया जा रहा है कि कब ये लोग बाहर आएंगे और इनको मजबूत रखना है। और परिजन भी इस बात का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल अभी जो प्लान चल रहे हैं उन प्लानों पर काम हो रहा है, उन पर एग्जिट किया जा रहा है, उन पर काम करने के आगे बढ़ा जा रहा है और एक निष्कर्ष निकाला जा रहा है कि एक चीज पे पहुंचा जा रहा है, बिंदु पे पहुंचा जा रहा है कि इनको कैसे बाहर निकाला जा सके।